क्यों ना जर्मनी के इसमें आर्मी जो है उसमें ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको टॉप की पोजीशन दूंगा यहाँ पे। तब ये इंसान जिनको ये भी पता नहीं था कि भारत देश गुलामी से आजाद होगा या नहीं होगा, गुलामी से आजाद अगर हुआ भी तो इनको कोई याद रखेगा या नहीं रखेगा, और अगर याद भी रखेगा तो किस तरीके से रखेगा, ये इनको वो मोमेंट पे पता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे मुस्कुरा के बोला कि सॉरी, लेकिन मैं अपने भारत देश की तरफ से ही जब तक जिंदा हूँ तब तक खेलना चाहूंगा। और इस हिसाब से आखिरी दम तक वो भारत देश के लिए, हॉकी के लिए खेलते रहे। और जिस हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स रिस्पेक्ट या मिलना चाहिए, वो मिला या नहीं मिला ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन अभी आज के मोमेंट पे आते हैं, आज का मोमेंट देखते हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें आज हमारे इंडियन जो है वो 119 यानी 119 के जो एथलेट्स है वो पूरे भारत से वहां पे गए, जो कि आज तक का एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और ये जाने के बाद में जैसे हम देखते हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने एंट्री की, मेडल जीताने की भारत के लिए, और आज 41 ईयर्स बाद में इंडियन हॉकी को उसका ग्लोरी रिटर्न मिला है। लेकिन हम भारतीय जो है इस मोमेंट को कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं। दिस इज बिकॉज एक जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है उसमें एक सीता साहू नाम की लड़की थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन वो आज की परिस्थिति में जो है वो अपने माँ बाप को गोलगप्पे बेचने में उनकी मदद करती है। यही नहीं, दिनेश कुमार नाम के एक अपने बॉक्सिंग चैंपियन थे जिन्होंने आज तक के 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुल्फी बेचते हैं। और उसके बाद में जब हमारी कबड्डी की टीम जीत के आती है तो वो वर्ल्ड कप वो अपने घर पे जो है वो ऑटो से लेके जाती है। तो हमें आज मोमेंट पे ये सोचना चाहिए कि हम स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो हमें भारत में जिंदा रखना होगा। और 2011 जब ये रिसर्च हुआ तो उस हिसाब से उन्होंने ये बोला कि पॉपुलेशन और एथलेट्स इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। हम अगर ऐसा बोलते कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और एथलेट्स हम ज़्यादा क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में एक एथलेट के पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और भारत में सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी फैसिलिटी और अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर हम ये सही तरीके से करें तो हर एक घर से एक अच्छा एथलेट बाहर निकल सकता है जो कि भारत को एक नए ग्लोरी पे लेके जाए। और उसी हिसाब से जब हम एमसीएल में एमसीएल बायोफिल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं हर एक तालुका में, तो हर एक तालुका में हमारा सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि वहां पे हम बायो सीएनजी प्रोड्यूस करें, लेकिन जो प्रोजेक्ट से रेवेन्यू होगा उसका 20% हम वो तालुका को समर्पित करने वाले हैं, जिससे उस तालुका में जैसे एक एंटरप्रेनर काम करता है उसी तरीके से वो तालुका से एक बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी हमें मिल सकता है। उसके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी रहे, उसके लिए कुछ बाकी सब चीजें रहे, ये सब करने की जिम्मेदारी भी हमारे प्रोजेक्ट पे आती है। और इसी तरीके से जब बिकॉज हम ये सोचते हैं एमसेल में कि स्पोर्ट्समैनशिप और एक एंटरप्रेनरशिप इनके चैलेंजेस सेम ही होते हैं, इनको उतना ही डेडिकेशन देना पड़ता है, इनको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगर उन्हें अपने लाइफ में वो टॉप मोमेंट पे जाना है तो। और जैसे ही अभी हम एंटरप्रेनरशिप की बात कर ही रहे हैं तो हम भूल नहीं सकते हैं एक ऐसे इंसान को कि जिसने एक एंटरप्रेनरशिप की नींव भारत के हर एक तालुका में रखी। एक हम उन्हें जादूगर भी बोल सकते हैं, दिस इज बिकॉज जो टेक्निकल टर्म्स होती है अपनी बायो सीएनजी से जो है नेफियर ग्रास से बायो सीएनजी कैसे तैयार करना है, ये पूरी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स वो बहुत ही जादूगर की तरह हमें सिंपल टर्म्स में जो समझाते हैं। यही नहीं, हु कैन बिकम दी गॉडफादर इन द कमिंग बायोफिल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, सो नन अदर देन एमसीएल के हमारे रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब। तो मैं उनको बोलूंगी कि वो आइए और ये इस वेबिनार को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। आपकी स्क्रीन दिख रही है सर? गुड मॉर्निंग।
एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लवली वंडरफुल स्टोरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप हर दिन 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने लंग को, अपने हार्ट को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हम हर तहसील में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। फैक्ट्री वो कैसे काम करेगी, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आज पूरे इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में जितने भी जीव है वो क्या करते हैं, तो खाना खाते हैं और खाने से उनको दो चीजें मिलती है। एक मिलती है ऊर्जा और दूसरा सुबह, दूसरे दिन सुबह जो निकलता है वो है अच्छा फर्टिलाइजर। दोस्तों, हमारे भी जो फैक्ट्रिया है, हमारी फैक्ट्रिया उस और उसमें जो बायोरिएक्टर्स है, ये ऐसे ही हमारे नेचर में जो ये सजीव है उनके जैसा ही काम करते हैं। उनका भी जो खाना है वो है नेपियर ग्रास और उससे ही भी वो दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं। यानी नेपियर ग्रास उनके उन बायोरिएक्टर को अगर हमने दिया तो दो चीजें मिलती है। एक मिलती है ऊर्जा, जिस ऊर्जा को हम ईंधन के स्वरूप में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और दूसरा है फर्टिलाइजर, बेस्ट सॉइल ऑयल कंडीशनर, सॉइल कंडीशनर। दोस्तों, ये जो ऊर्जा, ये जो ईंधन हमें मिलता है, ये मिलता है बायोगैस के स्वरूप में। अभी बायोगैस में कई सारे गैसेस हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन आपको, हमारे एमसीएल फैमिली के सभी उद्योजकों को, सभी मेंबर्स को सिर्फ दो गैस को याद रखना है, क्योंकि बाकी के सभी गैस जो 1-2% में आते हैं उसमें वाटर वेपर वगैरह सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम जब ये फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें ईंधन स्वरूप जो गैस निकलती है उसमें दो प्रमुख गैस होते हैं, एक होता है मीथेन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोपोर्शन भी जो आपको याद रखना है वो है 60-40, 60% होगा मीथेन और 40% होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पिछली बार हमने मीथेन के बारे में जाना, तो इस बार हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझते हैं। मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड ये नाम सुन के आपको बहुत ऐसा लगा होगा कि नहीं, बहुत टेक्निकल, बहुत कुछ डिफिकल्ट ऐसी कुछ चीज है आज। दूसरा ये भी मुझे पता है कि कितने सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने बचपन के जो स्कूल में पढ़ाया था उसके बाद कभी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ही नहीं सुना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड का विशेषज्ञ या एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे सभी उद्योजक, हमारे ग्राम पंचायत के उद्योजक, तहसील के उद्योजक, हमारे सभी चैनल पार्टनर, हमारे सभी महिला बचत गट, हमारे सभी MBS बायोफ्यूल स्टेट MPO के हमारे टीम मेंबर्स, हमारे सभी MPO मेंबर्स जो अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स हैं, सभी इतनी जानकारी ले ताकि उनको ये समझे कि हम लोग बिजनेस में कर क्या रहे और कार्बन डाइऑक्साइड करके प्रोडक्ट्स का आगे जाके क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी हवा में भी रहता है, लेकिन हवा में कितना होता है तो 0.03%, इतना कम, इतना छोटा ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये, और ये आता है कहां से, तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो आता है, लेकिन उस चीजों में, जिस सोर्सेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा में आता है, उसके दो तरीकों में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो सोर्स जो प्रकृति का है, जो नेचुरल है और जो करोड़ों सालों से आता है, आ रहा है, वो एक सोर्स है जो करोड़ों साल से चलता चलता आ रहा है और उसकी वजह से हमारे इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उतना है, और उसका एक ही सोर्स है, एक ही यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स है, और वो है हमारी ये ब्रीदिंग। हम जो हवा सांस लेते हैं, सभी सजीव सांस लेने के बाद जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे ज्यादा सजीव कहाँ है, पानी में है। हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पानी है, 70% पानी है। तो ये पानी से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो सबसे ज्यादा लगभग 42% ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी और वातावरण का जो जो जगह होती है वहां से शुरुआत होती है,
और बाद में लगभग 28% जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सजीव होते हैं उनसे आती है। लगभग 28% कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो लैंड यूज हम लोग करते हैं, जो खेती करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, उससे आती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड अकृत्रिम, अप्राकृतिक, अनैचुरल ऐसे स्वरूप से भी आ रही है। पिछले 150-200 सालों से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, जिसको बोलता है कि मनुष्य मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस। अभी मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण कर रहा है और उसके सोर्सेस आप जानेंगे तो नंबर 1, 87% ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है ये हमारे खनिज ईंधनों की वजह से। लगभग 9% ये आता है हमारे लैंड यूज, जो हम लोग अलग अलग जमीन या कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य करते हैं उसकी वजह से, और 4% आता है ये हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से। तो ये 0.03% वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन दोस्तों आज जिस मकसद के लिए हम लोग ने पूरा संगठन, ये संगठन का कार्य चालू किया है, इस आंदोलन, ये आंदोलन पूरी दुनिया में हम लोग फैला रहे हैं, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, और वो है हमारे धरती को, हमारे इस धरती माँ को, इस पूरे पर्यावरण को बचाना। क्योंकि आज जिस संकट की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है वो है ग्लोबल वार्मिंग। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस ग्लोबल वार्मिंग का संकट का सबसे बड़ा कारण है ये कार्बन डाइऑक्साइड। आज जिसके लिए हम सभी लोग इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सेमिनार्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग इसके लिए उतरे हुए, उसका उस संकट का नाम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इतना गहरा बनता जा रहा है दिन ब दिन। आज हम लोग यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में चंबल खाड़ी में आज क्या परिस्थिति है? रिकॉर्ड ब्रेक, कभी भी इतना नुकसान बाढ़ से नहीं हुआ, इतनी बड़ी बाढ़ उस मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश में उस प्रदेश में। कुछ दिन पहले ही अभी महाराष्ट्र में 15 दिन से ज्यादा वो इतनी बाढ़ थी, अभी मध्य प्रदेश में हर 48 घंटे के बाद कोई ना कोई राज्य आज प्रभावित हो रही है, आज की परिस्थिति है। क्या आप समझ सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन में आज हम लोग हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? और ये हो रहा है किसके लिए? तो किसकी वजह से? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्योंकि जितने सारे गैसेस जिसकी वजह से ये तापमान बढ़ रहा है, 76% गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के सभी 24% है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लोबल वार्मिंग में जो भी चीज आप करते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, ये सभी का परिमाण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया तो भी वो उसका उसका जो परिमाण होता है, उसका जो स्केल होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के स्केल में होता है। लेकिन अगर आप इसको कम करते हो, इसके लिए कुछ अच्छा काम करते हो, तो आपको कुछ बख्शीश दिया जाता है, वो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण या स्केल में। और जब आप इस पूरे वातावरण का, ये जो ग्लोबल वार्मिंग कम करते हो, ये इसका प्रदूषण कम करते हो, तो कितना प्रदूषण कम किया उसका जो स्केल है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पर टन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। और इसके लिए जो बख्शीश दिया जाता है उस बख्शीश को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने कम किया इस वातावरण में से तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। जैसे हमारे अभी एमपीओ के शेयर्स है, वैसे ये कार्बन क्रेडिट यानी एक शेयर है जिसका रेट कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन कम से कम जो मिलता है वो $10 पर क्रेडिट है। $10 यानी 750 रुपए। तो दोस्तों ऐसे ही जो कार्बन क्रेडिट, ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, ये सभी चीज जिस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम सभी लोग काम कर रहे हैं, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग सभी जो चलता है जिसके ऊपर चलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? अगर आप देखोगे तो जो भी ईंधन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी खनिज ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस खनिज ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है बिजली बनाने के लिए। तो बिजली बनाने का ये सबसे बड़ा ये कारण है कि जिसको से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस वातावरण में जा रहा है। और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी जो चित्र आप देखते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के, ये प्रदूषण के, ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये प्रोजेक्ट है औष्णिक विद्युत केंद्र के प्रोजेक्ट से। और ये जो धुआं आप देख रहे हैं ना, ये धुआं हो रहा है कोयले की वजह से।
क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में 80% जो बिजली बनाई जाती है ना, वो इस खनिज ईंधनों से बनाई जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोयला का है। तो पूरी दुनिया में 80% बिजली जिससे बनती है, उसमें से मैक्सिमम कोयला जलाया जाता है, और इसलिए इतना धुआं हो रहा है। यहां तक कि हमारे देश में भी, भारत में भी लगभग 75% बिजली हम लोग बनाते ये कोयला जलाते हैं और प्राकृतिक गैस जलाते हैं। आप कहीं भी हो, अपने आजू बाजू, अपने भारत देश में कहीं भी, कहीं से भी अगर आप इसको सुन रहे हो, आपके आजू बाजू कहीं भी इस औष्णिक निर्मिति केंद्र या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो सेंटर है, उधर अगर आप देखोगे तो ये ऐसे आपको चित्र दिखाई देगा, और पूरी दुनिया में यही हाल है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी बुरी तरह से तबाही कर रहा है, ये कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, कैसे जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है, तो कैसे ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी हम लोग देखते हैं। आज हर तहसील में हम कम से कम 100 टन यानी 1 लाख किलो सीएनजी बनाने वाले हैं। तो अगर 90% के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 1 लाख किलो में 90,000 किलो इतना मीथेन होने वाला है। तो जब 90,000 किलो मीथेन हर तहसील में मिनिमम हम लोग बनाएंगे, तो कम से कम 40,000 से 50,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हर तहसील में हर दिन बनने वाली है। तो क्या होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड का? तो दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का बहुत जबरदस्त ऐसा स्रोत है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें कार्बन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज से हम लोग ईंधन बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 चीज है जिसमें कार्बन नहीं है, उसमें हम लोग ईंधन नहीं बना सकते। जिसमें सिलिकेट मिट्टी, जिसमें कांच और मेटल्स धातु, ये हो सकते हैं। बाकी सब कुछ बना है कार्बन से। आप, मैं, हम सब लोग, सभी सजीव बने हैं कार्बन से, सभी ईंधन बने हैं कार्बन से, सब पेट्रोकेमिकल बने हैं कार्बन। ये कार्बन ही है जो पूरी दुनिया का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम अच्छी तरह से इसका उपयोग करें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस बनती है ना, वैसे ही हम लोग उसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत सारी प्रक्रिया करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। देखो, मुझे भी पता है कि ये जो चार्ट है, ऐसा चार्ट दिखाना पढ़ना मुझे भी कभी अच्छा नहीं लगा, और ना ही मैं आपको इस चार्ट में कुछ बताने वाला हूं। मैं सिंपल चीज आपको करने वाला हूं कि देखिए, अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हम अभी पूरे इस खनिज ईंधन को रिप्लेस कर रहे हैं हमारे इस जैव ईंधन के साथ, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन निगेटिव फ्यूल के साथ। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पूरी दुनिया को एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लेके जाने वाले हैं। वैसा ही कुछ प्रयास इस केमिकल्स के बारे में भी हो रहा है। आज सभी जो केमिकल्स आ रहे हैं ना, वो सभी केमिकल्स इस पेट्रोकेमिकल्स, इस क्रूड ऑयल से आ रहे हैं। और पूरी दुनिया का ये जो संतुलन है, प्रकृति का संतुलन है, करोड़ों साल से चलता हुआ आ रहा जो संतुलन है, ये संतुलन इस पेट्रोकेमिकल के वजह से पूरी तरह से बिगड़ गया है। ये रबर, ये प्लास्टिक, ये कॉस्मेटिक, सब कुछ इसकी वजह से बिगड़ा है, और उसी की वजह से हम लोग आज देख रहे हैं कि कोरोना हमारे यहाँ है दोस्तों। तो पूरी दुनिया में अभी एक पहल है कि इस पूरे पेट्रोकेमिकल्स को रिप्लेस करके हम लोग ऐसे ग्रीन केमिस्ट्री लेके आए, कि जिसमें सब कुछ, ये सभी जो केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो रिसाइकलेबल हो, वो अच्छे हो, और जिससे हम लोग इस प्रकृति का संतुलन रखें। इसको कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। और इस ग्रीन केमिस्ट्री में सबसे अहम भूमिका आने वाले दिनों में अगर किसकी किसी का होगा, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऐसे ही सिलेंडर करके बेच सकते हैं। सिलेंडर में आपने गैस, उसको लिक्विड बनाया, डाला और कई सारे इंडस्ट्रीज में दिया। तो कौन से इंडस्ट्री में आज हम लोग इसको बेच सकते हैं, तो देखिए, सबसे ज्यादा आज की तारीख में कार्बन डाइऑक्साइड का जो जो खपत हो रही है, जो इस्तेमाल हो रहा है, जो सेल हो रहा है, वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। दोस्तों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हमें पता है कि कुएं होते हैं, कुआ होता है, और कुएं से फिर हम लोग तेल और गैस निकालते हैं। अभी कई सारे ऐसे कुएं हैं कि जिनका तेल अभी बहुत कम 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 हो चुका है। तो अगर इस जो तेल थोड़ा सा बचा है, उसको किस तरह से हम लोग ऊपर लेके आए, तो इसके लिए उपयोग होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होता है कि जहां आप कुआ, जो आपका कुआ, तेल का कुआ होता है, उसके आजू बाजू वो कुएं करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
और जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सभी ऑयल का जो रिजर्व होता है उसको पुश करता है और फिर आपको कुएं से ज्यादा तेल मिलता है। इसको कहते हैं एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, EOR। इसके लिए सबसे ज्यादा आज की तारीख में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे ज्यादा, जैसे कहा कि सबसे ज्यादा लागत इन्वेस्टमेंट होने वाली इंडस्ट्री भी ऑयल एंड गैस ही है, तो सबसे अच्छी रेट या जो पैसे या रिन्यूमरेशन इस इंडस्ट्री से इस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलता है। दूसरा, आज की तारीख में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका इस्तेमाल होता है वो है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में नंबर वन है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। दोस्तों, सभी कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें वो बबल्स आते हैं, तो ये सभी कोल्ड ड्रिंक्स, ये बियर, ये वाइन, इसको बनाने में कंपलसरी कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और आज बहुत बड़ी मात्रा में ये इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये हमारा जो अनाज है, हमारे जो फल है, हमारी जो सब्जियां है, अगर इसको हमें स्टोर करना है अच्छी तरीके से और बहुत देर तक, तो उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर जिस रूम में ये रखा है उस रूम में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो ये कैसे खराब होती है ये सब सब्जियां और हमारी चार सब कुछ सब्जियां और धान, तो ये होती है जीव जंतु से। तो ये जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु दुनिया में, तो उसको तैयार होने के लिए और उसका उसको मल्टीप्लीकेशन होने के लिए लगता है ऑक्सीजन। लेकिन जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डालते हो तो ये उनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है और कोई भी जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होती, ये कोई भी चीज खराब नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने के बाद आपका ये जो अनाज है, आपके ये जो सब्जियां या फल है, इसमें कोई भी तरह का इसका विपरीत परिणाम नहीं होता, ना टेस्ट में होता है ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। दोस्तों, कोई भी इस फूड या कोई भी ऐसी चीज कितनी अच्छी है ये देखने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कोई भी चीज ऐसे खराब होने लगती है, इसका मतलब वहां वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ने लगते हैं और जब भी वो काम करते हैं तब अपना ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हो रहा है, वो देख के आपकी फूड क्वालिटी कितनी है वो चेक होती है, उसमें उसकी जरूरत है। और ये जो इंडस्ट्री, ये आइसक्रीम इंडस्ट्री है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी इसका कंपलसरी उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये जो आइसक्रीम आप देख रहे हैं इसको जो हार्डनेस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो दोस्तों, इसके अलावा अभी एक नया उपयोग, नया एप्लीकेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है और वो है कंक्रीट डोजिंग। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पूरे ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इमिशंस में, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये लैंड यूज है, उसका 9% कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है सीमेंट से। सीमेंट जो हमारे निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल होता है, उससे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन जब अगर इस सीमेंट में, अगर इस सीमेंट कंक्रीट में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो सीमेंट की आपकी लागत या रिक्वायरमेंट वो 30% कम होती है और ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। इसके इसके अलावा आपकी जो सीमेंट की कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत बढ़ती है। तो दोस्तों, अभी ऑलरेडी यूरोप में, अमेरिका में ये प्रैक्टिस बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन हो रही है और वो आने वाले दिनों में सभी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य में होने वाला है। इसको बोलते हैं कंक्रीट डोजिंग। डोजिंग यानी क्या? खुराक देना। तो कंक्रीट को कार्बन डाइऑक्साइड का खुराक देना, इसको बोलते हैं कंक्रीट डोजिंग। इसके आगे ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा इस्तेमाल सभी अग्निशमन दलों में, सभी अग्निशमन उपकरणों में होता है। क्योंकि तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी जीव को, जैसे जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कोई भी चीज जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो आग लगती है, आग फैलती है, ये फैलती इसलिए है क्योंकि हवा हवा में 21% ऑलमोस्ट का ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो ये हवा का संपर्क बंद कर देता है और आग पूरी तरह से बुझती है। आप कोई भी अग्निशमन उपकरण देखिए, इसमें कंपलसरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये बहुत उसकी अच्छी खूबी है कि जिसकी वजह से सभी ऐसी इंडस्ट्री में आज कार्बन डाइऑक्साइड को का इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्रायर्स। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ठंडा करते हो तब उसका एक, आप नॉर्मली आप देखते हो तो वो गैस होती है, लेकिन उसको ठंडा ठंडा कर उसको हम लोग सॉलिडिफाई कर सकते हैं, उससे हम लोग बर्फ बना सकते हैं,
और उसको बोलते हैं ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ। अभी सूखा बर्फ कैसे क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने कौन सा बर्फ देखा है, तो पानी का बर्फ देखा है, पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आए तो उसका बर्फ बन जाता है। लेकिन ये बर्फ जब पिघलने लगता है तो उसके बाद वो पानी तैयार होता है। इधर ऐसे नहीं होता। पहला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो बर्फ बनता है वो -70 -80 डिग्री में बनता है, और एक बार उसको अपने अपने वातावरण में रखा तो उसका पानी नहीं होता, तो उसकी वाप हो जाती है, गैस बन जाती है। और ये चूंकि हेवी है, अधिक वजनदार है हवा से, ये नीचे ही रहता है, इसके हवा बन के वो हवा में ही ऊपर नहीं चला जाता। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी ये फिल्म इंडस्ट्री, कोई भूत की या कोई डरावनी मूवी है, और वहां अगर दिखाना है कि वहां बहुत सारा धुआं है, वह फॉग है, तो उसमें ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो धुआं तो बनता है और उधर ही रहता है, वो ऊपर नहीं चला जाता। इसके अलावा -70 -80 डिग्री, इतना ज्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से इस ड्राई आइस को कई सारे इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन है, कई सारे जगह में उसका तापमान कम रखने के लिए इस ड्राई आइस का उपयोग होता है। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो मेटल से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो जिसमें ड्राई आइस का उसका तापमान का उपयोग किया जाता है, और यहाँ भी हम लोग इसको इसको सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ये मेटल सोल्डरिंग और वेल्डिंग में भी काम करता है। आप जो भी मेटल्स, अलग अलग मेटल्स होते हैं, उनका सोल्डरिंग और वेल्डिंग का काम होता है। इसमें अलग अलग गैसेस का मिश्रण का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत सारे मिश्रण में होता है, यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना फाइन काम करता है कि अगर आपकी लेजर वेल्डिंग यानी ऐसी वेल्डिंग जो आपको समझेगी भी नहीं कि हाँ वेल्डिंग हुई है, तो इतनी अगर फाइन सुपर फाइन अगर वेल्डिंग करनी है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों कार्बन फार्मिंग, हमारे भारत जैसे बाकी के जगह पे खेती नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमें इस दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो सबसे बड़ी मशीन, सबसे जबरदस्त मशीन जो कुदरत ने बनाई वो है पेड़। तो इस पेड़ जैसा जैसा मैंने कहा कि आज हमारे फैक्ट्री में जैसे वो खाना क्या है तो नेपेर घास, लेकिन सभी पेड़, सभी एग्रीकल्चर, सभी सिस्टम में अगर वो उनका कुछ खाना होगा तो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जिस कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो इतनी तकलीफ दे रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सही जगह पे आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत बड़ी मात्रा में आपका बहुत काम भी आ सकता है। और इसको ही कहते हैं कार्बन फार्मिंग, कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी फार्मिंग, ज्यादा से ज्यादा अच्छी एग्रीकल्चर कर सके, इसका नाम है कार्बन फार्मिंग। तो इसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड का इसलिए इस्तेमाल होता है कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर से ज्यादा उत्पादन लें। हमारा नेपियर ग्रास तो है ही, नेपियर ग्रास अगर 1 हेक्टेयर में 500 600 700 टन अगर आपको बायोमास देता है, तो इसका मतलब कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से लेता है और उसका अनाज में रूपांतर करता है। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हम डायरेक्टली हमारे ऐसे फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो नेपियर ग्रास से भी ज्यादा बायोमास दे सकता है, जो दुनिया का सबसे एफिशिएंट प्लांट है, और उस प्लांट उस वनस्पति का नाम है अल्गे शैवाल। दोस्तों अल्गे एक ऐसी वनस्पति है कि जो बहुत फास्ट ग्रो हो सकती है, और बहुत फास्ट ग्रो होने के लिए उसको चाहिए उसका खाना यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अल्गे फार्मिंग के लिए भी हम लोग बहुत बड़े लेवल पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें। दोस्तों आज भी जहां अल्गे फार्मिंग होती है वहां कंपलसरी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। दूसरी बात, ये जो अल्गे सिर्फ बायोमास नहीं देता, कई सारे न्यूट्रासिटिकल, कई सारे प्रोटीन्स या मिनरल्स, ऐसी बहुत सारी चीजों का ये सोर्स है। तो ये हम हमारे तहसील में आगे आने वाले दिनों में ये करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज आने वाले दिनों में होने वाला है। आप सोच नहीं सकते, जिस पेट्रोकेमिकल के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है इस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो धरती का ख्याल रखे, इस पर्यावरण का ख्याल रखे, ये इस काम में बहुत अहम भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड की।
कार्बन डाइऑक्साइड पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत उपयुक्त होने वाला है। कैसे? पहले तो जानते हैं पॉलीमर क्या है। तो आज समझे, ये सभी जो पेट्रोकेमिकल, ये जो रबड़, ये जो प्लास्टिक, ये सब कुछ जो है ना पेट्रोकेमिकल साथ है, इसको पॉलीमर बोलते हैं। बिकॉज इसका एक एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल से बनता है, पॉलीमर, मोनोमर से बनता है पॉलीमर, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीमर। लेकिन सिंपल अगर आपको समझने की भाषा में मैं बोलूं तो सभी रबड़, सभी प्लास्टिक, सभी पीवीसी पाइप, सभी आपके घर के फर्नीचर, सभी ये स्कूटर, और यहाँ जो कुछ वो पीवीसी इस्तेमाल होता है, जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जो कुछ हार्ड चीज इस्तेमाल होती है, वो सब उसको मिलके बोलते हैं पॉलीमर। और इस पॉलीमर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकता है, तो दो तरीके से काम कर सकता है। एक तो आज की तारीख में आप जो भी प्लास्टिक रबड़ आज जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उसको ऐसे ही डाला जमीन में, तो 1,000 साल तक तो उसको कुछ नहीं होगा, उसका डिग्रेडेशन ही नहीं होता, डाइजेशन ही नहीं होता। लेकिन जहां ये तैयार होता है उस फैक्ट्री में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसका निर्माण करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो प्लास्टिक रबर तैयार होता है ना उसके अंदर जाके बैठता है। तो जो चीज अदरवाइज 1,000 सालों तक तो डिग्रेड नहीं होती, वो इमीडिएटली डिग्रेड हो सकती है। तो कितना बड़ा ये पूरे प्लास्टिक, ये पूरा जो आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा हम लोग इसको या इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो सस्टेनेबल बन जाए, जिसको आराम से हम लोग कन्वर्ट, डिग्रेडेशन, डाइजेशन कर पाए, और इसको बोलते हैं सस्टेनेबल केमिकल। यानी आज के सभी केमिकल्स, आज के सभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत अहम भूमिका हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन इसके आगे जाके ऐसी चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है वो ये है कि ये जो हम लोग अभी आज पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसका सभी रॉ मटेरियल कहां से आता है, क्रूड ऑयल से आता है, क्रूड ऑयल से ये सब कुछ बनता है। लेकिन क्रूड ऑयल को पूरी तरह से हटा के क्रूड ऑयल के जगह पे हम लोग किसान जो तैयार कर सकते हैं, जो हमारे खेतों से आ सकता है, ऐसी चीजों को लेके और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हम पेट्रोकेमिकल्स बना सकते हैं। दोस्तों ये बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पैकेजिंग, बायो केमिकल्स, बायो फर्नीचर, ये सब कुछ हो सकता है, जो 100% डाइजेस्टेबल होगा, 100% बायोडिग्रेडेबल होता होगा, और इसकी वजह से कोई भी पर्यावरण की हानि नहीं होगी। तो सोचिए जो सपना हम लोग देख रहे हैं कि 100% इस पेट्रोकेमिकल्स को रिप्लेस करने का, वो कार्बन डाइऑक्साइड कर सकती है। ये पूरे अल्टरनेट प्रोडक्ट्स को हम लोग पूरी तरह से रिप्लेस करने का जो पोटेंशियल है वो आज इस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल तैयार होता है। आप बोलेंगे मिथेनॉल क्या है, क्या फर्क, क्या होता है, क्या है मिथेनॉल, क्या हो, हमें क्या बन सकता है मिथेनॉल करके, क्या होने वाला है, क्या फायदा उसका। तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री आप देख रहे हैं ना, ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये आपको रिफाइनरी लगेगी, ये रिफाइनरी नहीं है, ये मिथेनॉल तैयार करने की फैक्ट्री है। और सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई सारी फैक्ट्री है पूरी दुनिया में। यह है मिथेनॉल, मिथेनॉल, ये अल्कोहल है, इतने सारे जगह में उसके एप्लीकेशन है कि आप सोच नहीं सकते। ये मिथेनॉल से डायरेक्ट हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं, जो 100% डीजल को रिप्लेस कर सकता है। यानी एक बार कार्बन डाइऑक्साइड से हमने मिथेनॉल बनाया, तो 100% सभी डीजल की गाड़ियां इस पे चल सकती है बायोडीजल के ऊपर। आज की जो ईंधन है उसमें भी इसको ब्लेंडेड हम लोग फ्यूल कर सकते हैं, जहाज, जहाज में उपयोग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और ये टीवी के स्क्रीन वगैरह, सभी जगह पे इस मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि मिथेनॉल क्या है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, इस चित्र में जो कोई सब कुछ आप देख रहे हैं वो सब कुछ मिथेनॉल से तैयार हो सकता है। ये टेक्सटाइल ट्रीटमेंट, ये मैट्रेसेस, ये रूफिंग, ये डेकोरेटिव लैमिनेट्स, ये रबर, ये डोर स्किन्स, ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, डिसइंफेक्टेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्रैग्रेंस सॉल्वेंट्स, ये डोर इंसुलेशन, ये सब कुछ मिथेनॉल, जो भी आज चीज आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, वो सभी हम मिथेनॉल से तैयार कर सकते हैं। यह है मिथेनॉल। यहां तक कि पेंट्स, जो कलर आपने मारा है वो पेंट भी आज हमारे मिथेनॉल से तैयार हो सकता है, जो तैयार हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से। दोस्तों पूरी दुनिया में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो ये मिथेनॉल दूसरे सोर्सेस से करते हैं, लेकिन आज इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनता है, ये जिन लोगों के जब समझ में आया, तब
तब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक एक तरफ से तो इसकी ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और दूसरा इससे हम लोग कुछ बहुत सारे उपयुक्त तो ऐसे 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 प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स करके जो फ्लू गैस होता है, जो भी हम लोगों ने देखा औष्णिक उद्योग औष्णिक केंद्रों में वो जो निकलता है धुआं, उस धुआं को पूरे वो अपनी फैक्ट्री में लेके आते हैं, और उस धुआं को पूरी तरह से साफ करके वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से फिर मिथेनॉल बनाते हैं। ये जो नई बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री भी कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल की है, एक्चुअल फैक्ट्री। हमारे देश में भी ये फैक्ट्री भी बनने जा रही है, एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो, उसने उन्होंने एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो औष्णिक ये ऊर्जा केंद्र के उनकी जो फैक्ट्रियां है उनके साथ मिलके उनका सब कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो मिथेनॉल बनाने वाले। तो ये पूरी दुनिया में अभी बढ़ रहा है, और इसमें बहुत बड़ा अगला कदम एमसीएल रखने वाले दोस्तों। CO2 सीन गैस तैयार करने में भी बहुत उपयुक्त है। अभी सीन गैस क्या होता है, तो सीन गैस का सिंपल फुल फॉर्म अगर हम बोलेंगे तो सिंथेसिस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक छोटा भाई है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी एक एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जो गैस बनती है ना, उसको कहते हैं सीन गैस। अभी ये सीन गैस की एक जानी मानी पूरी दुनिया में जो जानी मानी सब लोग उसको जानते हैं, ऐसे प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं फिशर ट्रॉप सिंथेसिस या प्रक्रिया। इस सीन गैस को इस प्रोसेस में डालेंगे, प्रक्रिया में डालेंगे, तो हम लोग एक्चुअली ये सभी फ्यूल बना सकते हैं, लिक्विड फ्यूल जो भी आप दिखते हैं मार्केट में, यानी ये जेट फ्यूल। मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, हमें जेट फ्यूल बनाना है। हमें आगे जाने आने वाले दिनों में कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है कि जहाँ लिक्विड फ्यूल ही काम करेगा, गैस नहीं काम करेगी। तो वहाँ ये विमान विमान है, जेटीएफ जेट फ्यूल जिसको बोलते हैं, एटीएफ जिसको बोलते हैं, ये लिक्विड फ्यूल्स इससे तैयार हो सकती है। और इस सिंगास के कई सारे एप्लीकेशंस हैं। अब ये केमिकल टर्म्स आपको समझेगी नहीं, ये भाषा समझेगी नहीं, हाइड्रोकार्बन अल्किन्स अल्केन्स एरोमेटिक्स, लेकिन ये सब कुछ आज सिंगास से हो सकता है। यानी आज ये पेट्रोकेमिकल से क्रूड ऑयल से जो कुछ हम लोग बनाते हैं, ये सब कुछ इससे बना सकते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड करके भी यूज कर सकते हैं। अभी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या, यानी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देखते हैं तो गैस में होती है, इसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाया, उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो कंडेंस 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 होके वो लिक्विड बन सकती है। लेकिन इसके आगे भी जाके एक स्टेज होती है कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड में गैस के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो लिक्विड जैसे भी बिहेव करता है, दोनों लिक्विड और गैस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक उसमें होते हैं, दोनों जैसे बिहेव करता है। और ये जो स्पेशल उसकी अवस्था है उससे बहुत काम होते हैं फैक्ट्री में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक ऐसे बहुत मिक्सचर में उसको निकाल सकते हैं, उसको सॉल्यूट करके काम करता है। दूसरा ये जो मैंने कहा कि पॉलीमराइजेशन जो प्रक्रिया है जिससे हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उस फैक्ट्री में भी इस सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। आज ये जो देखते हैं ना फायर वुड आपकी जो लकड़ी है वो जलती नहीं है, विद्युत रोधक नहीं, आग प्रतिबंधक ऐसी जो लकड़ी बनाते हैं ना आप, उसमें भी ये बनाने के लिए ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि धातु मेटल और रबड़, इसका अगर कुछ मिक्स कॉम्पोजिट्स आपको बनाना है तो उसमें भी ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले दिनों में इतना सुपर प्रोडक्ट होने वाला है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये जो पूरी इंडस्ट्री जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये पूरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसमें जो रबड़ की इंडस्ट्री, इसको पेंट की इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स की, ये सभी चीज आज कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे हमारे प्रोडक्ट के साथ, कि जो इसको रिप्लेस भी करेंगे और धरती का इस प्रकृति का ख्याल भी रखेंगे। इसके आगे एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक बोलने वाला सिर्फ 2 मिनट में, और उसका नाम है हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। दोस्तों हमारे एमसीएल में कभी भी हाइड्रोजन को फ्यूल करके नहीं बेचने वाले। हाइड्रोजन हमारे लिए वैसे हम लोग फ्यूल करके उसको तैयार नहीं करेंगे और ना उसको बेचेंगे। लेकिन मैं क्यों इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे जगह पे हाइड्रोजन फ्यूल करके इंफॉर्मेशन आती है, व्हाट्सएप पे आता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है,
आपने यहाँ भी न्यूज में भी देखा होगा कि कई सारे देशों में कई सारी कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम कर रही है। आजकल गाड़ियां चलती है हाइड्रोजन के ऊपर, बसें चल रही है हाइड्रोजन के ऊपर, कंपनियां बहुत सारा पैसा लगा रही है हाइड्रोजन के ऊपर। तो क्या है ये हाइड्रोजन, बस वही बताने के लिए मैं आपको ये टॉपिक मैंने लिया है। नहीं तो ये बताने के लिए एक पूरा अलग सेशन ही लेना पड़ेगा जो हम लेंगे। तो चलिए ये समझने के लिए पहले ये समझते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? आपको पता है एटम बॉम्ब क्या है? क्या आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध जो बंद हुआ, स्टॉप हुआ, वो हुआ ये न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो अमेरिका ने जापान के ऊपर डाले, दो शहर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, ये दो बॉम्ब जब उन्होंने डाले अमेरिका ने, इस तरह से विनाश हुआ। ये इतना महाप्रलयकारी बॉम्ब है कि उसको देख पूरी दुनिया ने युद्ध बंद कर दिया। इतना महाभयंकर, महासंहारक, महाविनाशकारी है ये बॉम्ब, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। और अभी इसके आगे आया है हाइड्रोजन बॉम्ब। अब ये जो बॉम्ब, ये इसका सुन के आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर इससे इतनी ऊर्जा तैयार होती है तो क्यों ना हम लोग, क्यों हम लोग फिर एक कोयला जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फॉसाइल फ्यूल करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचते हैं, क्यों ना न्यूक्लियर बॉम्ब का ही हम लोग इस्तेमाल करें, उससे चाहिए जितनी ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। और हाँ, हुआ भी ऐसे। उसके बाद कई सारे देश इसके ऊपर लगे, काम के ऊपर लगे, और उन्होंने इसके ऊपर बनाने वाले, इसके ऊपर जो बिजली बनाती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी अपने अपने देश में चालू किए, हमारे देश ने भी चालू किए। बीएआरसी ने इसके ऊपर न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका प्रोजेक्ट हमारे देश में भी है। लेकिन लोगों को ये भी पता चला, आई मीन ये पहल भी आ गई कि जिस बेनिफिट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और जिस बेनिफिट के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, सोचिए उसके खतरे के बारे में। 1%, 1% भी यहाँ का कुछ खतरा हुआ तो सोचिए क्या हो सकता है। तो बाद में पूरी दुनिया में ऐसी पहल हो गई, ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून हो गए कि कोई भी न्यूक्लियर के बेस पे एनर्जी या एनर्जी के प्लांट नहीं बनाएगा। ये न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्लांट है पूरी दुनिया में कोई नहीं नया बनाएगा, और अभी जो आपके जो प्लांट है उसको भी आप धीरे धीरे करके बंद करने वाले हो। ये है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जो पूरी दुनिया को 1 मिनट में बर्बाद कर सकती है। दोस्तों हाइड्रोजन जो फ्यूल है, हाइड्रोजन में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत। ये जो गाड़ी अभी हाइड्रोजन फ्यूल पे चलती है ना, ये सेम जैसे आज आप बैटरी की कारें देखते हैं ना, वैसे ही उनमें एक बैटरी होती है जो बैटरी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है, और उस बैटरी का नाम है फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल में वो हाइड्रोजन लेते हैं और वो करते हैं। अभी इसको इस्तेमाल करने के बाद आप देखोगे तो इसके कोई धुआं नहीं आता, जैसे इलेक्ट्रिक कारों से कोई धुआं नहीं आता ना, तो इससे भी कोई धुआं नहीं आता, सिर्फ आता है तो थोड़ा सा पानी। लेकिन ये पानी तो हमको लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ भी प्रदूषण नहीं है, सब सब पूरा इको फ्रेंडली है। लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट है। हाइड्रोजन हमारे पूरे संसार में ऐसे वो ऐसा मूल द्रव्य है, वो कभी भी ऐसा अकेला नहीं दिखेगा। उसको अकेला बनाने के लिए, उसका अलग, उसका प्रोडक्शन करने के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन बनाने के लिए इतनी ऊर्जा लगती है, इतनी ऊर्जा लगती है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है कि जितना आपने वहां उसका हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके कम किया ना, उससे ज्यादा आपको यहां लगता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि उससे प्रदूषण नहीं होगा, ये बात वहां रुक जाती है, इसे कुछ नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन को जिस तरह से स्टोर स्टोर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, पहले तो उसको बनाना इतना उसको पैसा लगता है, इतना खर्चा है उसका, ऊपर से उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इतना भयंकर है कि जरा भी उसमें गलती हो गई तो हाइड्रोजन ऐसा फ्यूल है कि जहां हाइड्रोजन स्टोर होता है ना, उसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जा सकता है। मीथेन जितना चाहे स्टोर कर लो, मीथेन को आप मीथेन बॉम्ब नहीं कहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉम्ब कह सकते हैं। इतनी बुरी तरह से ये फट सकता है, इतनी बुरी तरह से ये प्रलयकारी हो सकता है, ये बहुत डेंजरस है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे किस्से हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हाइड्रोजन के बारे में, लेकिन हम उसको नहीं बेचने वाले। लेकिन इसके बारे में डिटेल में एक सत्र हम लोग रख सकते हैं, सेशन रख सकते हैं, जिसमें इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगा, देखो अभी 400 करोड़ साल पहले मनुष्य सजीव इस धरती पे आ गए, 400 करोड़ साल, 400 करोड़ साल।
और हम लोग सिर्फ डेढ़ से 200 साल से हम लोगों ने इस खनिज ईंधन का उपयोग करना चालू किया, 150 साल इफेक्टिवली। लेकिन 150 साल में हम लोगों ने क्या तबाही की, ये हम लोग देख रहे हैं आज। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं। और हर दिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोगों ने ये जो नेचर, ये जो प्रकृति के नियम है ना, उसको नहीं देखा हम लोगों ने, ये अलग ही अपना निकाला जो भी पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचे कि हम लोग ने ऐसे ही चालू रखा तो सिर्फ 50 साल आगे क्या हो सकता है। लेकिन अगर हमें आगे के 50 नहीं, आगे के 5,000 साल, 50,000 साल, 5 लाख साल अगर हमें जिंदा अगर आराम से रहना है तो हमें प्रकृति के नियमों पर आधारित काम करना पड़ेगा। वो सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी। और वो सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो हमेशा प्रकृति हमें दिखाती है, बताती है कि इतने सालों से, करोड़ों सालों से वो प्रकृति में हम कैसे ऊर्जा और बाकी सब कुछ चीज से प्राप्त कर रहे हैं। और उसका एक ही तरीका है दोस्तों, उसका एक ही तरीका है, वो है हमारी खेती। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर हमें सस्टेनेबल जीना, और जितना चाहिए ना हमें, जितनी ऊर्जा, जितना है वो सब कुछ हमारी ये धरती माँ, ये प्रकृति प्रदान कर सकती, इतना है। और वही तरीका है, वही हजारों लाखों सालों से एग्रीकल्चर ही चलती आ रही है, और वो आने वाले दिनों में वही वो पूरी दुनिया को सस्टेनेबिलिटी का रास्ता दिखाने वाली है। और ये हमारा खुश नसीब है कि इस माँ ने, इस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया। भारत में जितनी एग्रीकल्चर हो सकती है वहां पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, तो आने वाले दिन में हम लोग इतना बड़ा काम पूरी दुनिया के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पूरा इस एग्रीकल्चर के लिए काम करना है। और एक हमारा जो राजा है बस उसको मजबूत करना है। एक बार उसको मजबूत किया तो वो पूरी दुनिया का ख्याल रखेगा, हमारे पूरे देश का ख्याल रखेगा। और वो राजा है ये किसान। मिलके इस किसान को हाथ हाथ मजबूत करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो जरूरत है, फिर से हमारे देश को सुजलाम सुफलाम करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। वॉट अ सेशन। लास्ट अगर हम देखेंगे श्याम सर के कुछ सेशन है, उनको अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं। जी हाँ, बायोफ्यूल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स, बायोफ्यूल इंडस्ट्री के बेनिफिट्स, एंड बायोफ्यूल इंडस्ट्री में छुपा हुआ मानव जाति का कल्याण, ना पूरे विश्व का कल्याण, ना पूरे के पूरे जो भी सचिव है इस पृथ्वी पर उनका कल्याण। ये पूरा टॉपिक आज शाम सर जिस तरह से ले रहे हैं, उसमें से आज आपने देखा होगा कि जो भी हमारी बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगेंगे, उन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उन प्रोडक्ट का क्या इम्प्लीकेशंस है। कमर्शियल तो है ही है, नेचुरल क्या है, ये सारे सारी जो कॉन्सेप्ट को इतना सर ने आज सरलता से सिखाया है कि शायद ऐसा कोई इंसान हो जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इतना सिंपल करे और इतना एक्साइटिंग करे। यस, थैंक यू वेरी मच श्याम सर, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। ना कि ये तो हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर, वो अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला है। और इन सारी बातों का अल्टीमेटली आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा किंग फार्मर, उसका उसकी प्रोग्रेस, उसका कल्याण, ये जो बात आज शाम सर ने की है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है और काबिले तारीफ है। थैंक यू श्याम सर फॉर दिस फैंटेबुलस फ्राइडे सेशन। यस, एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो चंद लोग इतिहास बन जाते हैं, ऐसे ही मेजर ध्यानचंद थे। और उनका खेल, उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट उनका पैट्रियोटिज्म। यस, वो पैट्रियोटिज्म आज हमारे रग रग में प्राची मैडम की स्टोरी से फिर एक बार दौड़ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। एंड यस, आप लोग जो इस फ्राइडे को बड़ी तादाद में आते हैं श्याम सर को, प्राची मैडम को सुनने के लिए और उनसे सुनकर, उनसे इंस्पायर होकर अपने तालुका को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे एमवीपी ओनर्स,
हमारे एमपी ऑनर्स, हमारे एमबीएस, हमारे बीडीए, सीनियर बीडीएस, प्राइम बीडीएस एंड सीनियर प्राइम बीडीएस एंड एंटायर एमसीएल फैमिली, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम सर के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, क्या याद रखिए, यस आप सबको, हाँ आप सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, एमसीएल ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रमेश सर, थैंक यू फॉर ये जो घोषणा आप हर बार करते हैं, इससे एक नया संचारता है, रग रग में वो उत्साह दौड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच रमेश सर। एंड यस दोस्तों, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम सर का, बिकॉज कभी भी किसी भी चीज में निगेटिविटी नहीं होती इनके, हर चीज में ये पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। दोस्तों आज भी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको तबाही माना जाता है, उससे भी हम किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं और उससे हमारी प्रगति हो सकती है, एक नया दृष्टिकोण आज श्याम सर ने हमें यहां पर दिया है। दोस्तों मैं आप सभी की तरफ से श्याम सर का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि यस ऑफ कोर्स जहां जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिखती है श्याम सर हमें बड़ी बारीकियों से उसके बारे में बताते हैं। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। और जी हाँ दोस्तों, और एक बार एक नई अनूठी स्टोरी से हमारे सामने एक महान उदाहरण रखने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राची मैडम का। शुक्रिया प्राची मैडम फिर एक बार हमें मोटिवेट करने के लिए और हमें प्रगति के राह पर चलने के लिए मौजूद करने के लिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं पूरे एमसीएल टीम का, जो ये सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपनी दिन रात मेहनत करती है। और एक इंसान जिसका मैं यहां पर अगर शुक्रिया अदा नहीं करूंगा तो वो नाइंसाफी होगी, जो है आप। जी हाँ दोस्तों, हर शुक्रवार आप सुबह इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, इस वेबिनार को अटेंड करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और तालुका के अपने गांव के हर इंसान तक वो पहुंचाने का जिम्मा उठाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि दोस्तों चैट बॉक्स में जो लिंक शेयर की गई है उस लिंक पर जाके अपना महत्वपूर्ण वैल्यूएबल फीडबैक हमें भेजिए। उस फीडबैक से हमें अपने आप में सुधार लाने के लिए काफी मदद होती है। दोस्तों फिर एक बार आप सभी लोगों को मैं यह निवेदन करता हूं कि आप अपना, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार इस बात को घोषित करता हूं कि यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले फ्राइडे। शुक्रिया।